अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूं फहद शहबाज खान। मार रोड आज फिर ब्लॉक है असेंबली के सामने। ये लोग जिनका पंजाब भर से ताल्लुक है, पंजाब भर के हर महकमे में, हर सरकारी महकमे में जितने भी इंजीनियर्स हैं, ये सारे के सारे आज यहाँ एहतजाज कर रहे हैं और सड़कें ब्लॉक हैं। सुबह से एहतजाज का सिलसिला जारी है और इनके जो मुतालबात हैं उन पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और आप इरीगेशन में चले जाएं, वासा हो, CNW हो, हाउसिंग हो, जितने भी महकमे हैं उन सब की इंजीनियर्स कम्युनिटी जो है वो इस वक्त सड़कों पे है। डॉक्टर्स कम्युनिटी के बाद मार रोड इस वक्त इंजीनियर्स के हाथ है और ब्लॉक हो चुका है। यहाँ अतराफ आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो धर्म भरम हो चुका है और इसमें इनके सीनियर्स भी मौजूद हैं, सीनियर इंजीनियर्स भी मौजूद हैं और इनकी खातीन की बड़ी तादाद है। ये सारी बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। किस महकमे से हम? CNW डिपार्टमेंट में, पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल का गवर्निंग बॉडी का मेंबर भी हूँ और CNW डिपार्टमेंट में जॉब है। और हमारा KPK में इंजीनियर्स को बेसिक पे स्केल का 1.5 टाइम्स दे दिया गया है। उसी नोटिफिकेशन पे हम पिछले 4 महीने से जदोजहद कर रहे हैं लेकिन हमारे वाहनों में बात नहीं सुनी जा रही। इसलिए हमारी समरी जो थी इरीगेशन CNW डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी फाइनेंस के पास गई, उन्होंने टर्न डाउन कर दिया कि इंसेंटिव बेस पे चंद लोगों को दे सकते हैं। हम कहते हैं कि ये तमाम इंजीनियर जो है इनकी तनख्वाह कम है, इनको KPK के इंजीनियर तनखा के बराबर किया जाए ताकि ये भी लोग सुकून से अपना काम कर सके। ये हमारा मुतालबा है। ठीक है, सीनियर्स हैं, हर महकमे के इंजीनियर्स हैं और यहाँ ये देख सकते हैं आप बड़े पैमाने पे खवातीन की तादाद है, लोग हैं, सीनियर्स हैं और इन सारे लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। इनके जो सीनियर्स हैं उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या नाम है आपका? सर इरफान अहमद मेरा नाम है और मैं चीफ इंजीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट में और जो पंजाब बिल्डिंग एंड हाईवे एसोसिएशन है मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। जी सर, सर इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ। क्या मुतालबा क्या आपके? ये जो मुतालबा 1.5 टाइम्स ऑफ बेसिक पे एज ए टेक्निकल अलाउंस है, ये हमारा बड़ा लिजिटिमेट राइट है। बाकी महकमों में इतनी ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ गई हैं और इंजीनियर की इतनी कम है कि ये एक हमारी नीड बनी हुई है जिसके बेस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा और बहुत से मुतालबात हैं लेकिन इस करंट जो हमारी मूवमेंट है तो सड़क तक बात कैसे पहुँच गई? ये सड़क तक बात कैसे पहुँच गई, सड़क पर क्यों आ गई? सड़क पर बात तो हमेशा उस वक्त पहुँचती है जब कमरों के अंदर ना तय हो रही हो, जब आपस में म्यूचुअल डिस्कशन से तय ना हो रही हो, फिर ये सड़कों पे आती है। ये इस वजह से सड़क पे आई। ये तो आप अपने अपने महकमों में हड़ताल कर देते, वो मौजूद था ज्यादा? ये सारे महकमों की कंबाइंड हड़ताल है, इसमें इरीगेशन भी है, CNW भी है, LDA वाले भी है, उसके अलावा हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट की कंबाइंड है, ये एक डिपार्टमेंट की नहीं है। जी जनाब, क्या नाम है आपका? साजिद अमीन। साजिद अमीन साहब, मेरे साथ साजिद अमीन साहब भी मौजूद हैं। जी साजिद साहब, मुझे ये बताइए कि ये बात चीफ इंजीनियर हाईवेज, बड़ा इंपॉर्टेंट महकमा है आपका। जी जी, तो सड़क पे बैठे कैसा लग रहा है आज आपको? सड़क पे जी अपने हक के लिए बैठे हैं, हमारे खास तौर पे यंग इंजीनियर्स के हक के लिए। हम लोग तो सर्विस के एंड में है लेकिन क्योंकि इंजीनियर्स को डिप्राइव ऑफ किया जा रहा है, हमारे एक साथी प्रोविंस में KPK में टेक्निकल अनाउंस दिया गया 1.5 टाइम्स ऑफ बेसिक पे, तो हमारा भी ये है कि हमने समरी इनिशिएट की जो हमारी टर्न डाउन हो गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि हम लोग फाइनेंशियल क्रंच की वजह से नहीं दे सकते। लेकिन हमारा ये है कि अगर एक सूबे में दिया जा सकता है तो वाई नॉट इन अदर प्रोविंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो क्रीम ऑफ द नेशन है, पढ़ लिख के जो आ रहे हैं हमारे यंग इंजीनियर्स को 35,000 मिल रहा है सिर्फ, तो जब तक उन्हें इंसेंटिव नहीं देंगे और उनके पास फाइनेंशियल पावर्स इतनी है तो वो फिर अदर वेज ढूंढते हैं। फिर तो जब तक उन्हें हम अच्छी पे नहीं देंगे तो वो करप्शन से किसी चीज़ से बाज रहेंगे, वो हर चीज़ से वो बड़ी दिलजमी से काम करेंगे। तो बाकी जो लोग हैं वो बगैर टेक्निकल कोई एजुकेशन के वो ज़्यादा पेज ले रहे हैं और हमारे बंदों को डिप्राइव ऑफ किया जा रहा है। हम अपने हक के लिए आए। हुकूमत की तरफ से कोई रब्ता किया गया आपसे? ये हुकूमत की तरफ से रब्ता किया गया आपसे कोई? हाँ, हमने मिनिस्टर सर से रब्ता किया, सारे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से रब्ता हो चुका हुआ है और पॉजिटिव साइन भी उनकी तरफ से आए हैं लेकिन अभी वो पॉलिसी मेकिंग में है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अभी मिनिस्टर CNW भी आ रहे हैं, वो भी शायद कोई होपफुल बात करें हमारे साथ, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। हम उनसे बात हो चुकी है, ये बात आप समझते हैं कि हल हो जाएगी? लाजमी हल होगी। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर्स को दे दिया गया
जुडिशरी में ए ग्रेड अबव प्लस अलाउंसेस दिए गए हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इनको इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है इन डिफरेंट चीज, लेकिन ये हो जाएगा। ये हमें यकीन है कि हम ये लेके रहेंगे और इंशाल्लाह ताला ये चीज हम अचीव करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये आप हो जाएगा, नहीं, हमें ये यकीन है और हम उस वक्त तक अपनी इस जायजी तहरीक को जारी रखेंगे जब तक हमारे ये जायज मुतालबात जो है ना ये पूरे नहीं होते। एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे, सड़कों पर भी आएंगे और जो भी हमारे कानून के दायरे में इखलाक के दायरे में रहते हुए हमारी जो भी एजिटेशन आप करेंगे। अगर वो मिनिस्टर साहब आ भी रहे हैं तो आपका नेगोशिएट हो भी रहा है तो ये सड़क फिर ब्लॉक ना करें, आप साइड पे बैठ जाएं, देखें या असेंबली के हाथे में बैठ जाएं। देखें अभी तक तो हम इस रोड पे इसलिए बैठे हुए हैं कि मिनिस्टर साहब ने कहा आएंगे, जब तक गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल आके हमारी बात नहीं सुनता उस वक्त हम यहाँ से नहीं हटेंगे। नहीं, वो आम आवाम का इसमें क्या कसूर है? देखें आवाम का ये कसूर है कि हमारा क्या कसूर है? लाहौर चौक है इसका, देखें मेरे मुतालबात, देखें आपके मुतालबात पर CNW के जो मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं। हम ये अब आप कहते हैं इखलाकी बुनियादों पर मिनिस्टर आए हैं, बात करें, जब तक बात नहीं होगी तब नहीं चलेंगे। इसमें सर बात ये है कि ये मेरी सवाल सुन ले, सवाल सुन ले, दोबारा सुन ले जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जब उन्होंने बात आपकी एक्नॉलेज कर ली, आज के प्रेशर को देख के सुबह से रोड ब्लॉक है तो अब आप साइड पे हो जाएं, रोड खोल दें ताकि वो आए आपसे निगोशिएट कर लें। एक्जेक्टली अगर वो नहीं माने तो फिर आप लाए अमल बना लें। आपको इसी का जवाब देने लगा हूं। पहली बात तो ये है कि ये हमारा जो इशू है इट डज नॉट ओनली रिलेट टू CNW मिनिस्टर। पहली बात तो ये है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को एज अ होल, एक हुकूमत की तरफ से कोई तो आ रहा है ना, हुकूमत की तरफ से सर कोई आ रहा है। हम पिछले 23 दिन से इंतहाई पीसफुल अंदाज में टोकन डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। अब ये पीसफुल नहीं रहा, हमने सर अभी भी ये पीसफुल है, पीसफुल है, सड़कें बंद है सर, सड़क बंद होना जो है आप समझते हैं कि सर फाड़ना ही जो है वायलेंस है, ये भी तो वायलेंस है। पीटीआई गवर्नमेंट ने 144 नाफिज़ है, मार रोड ने 126 दिन धरना दिया था, वो पीसफुल था, वो किसी भी सूरत में गैर कानूनी, उसको अब वही पीटीआई गवर्नमेंट इस वक्त गवर्नमेंट में है। आप हुकूमत से धरने का बदला ले रहे हैं? हम बिल्कुल बदला नहीं ले रहे हैं, हम उनको सिर्फ ये रियलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा हक है, ये हमें मिलना चाहिए। हक ले, लेकिन 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है सर, बात ये है शहर मासूम लोगों से क्या ताल्लुक? वो जो ट्रैफिक पीछे फंसी है उसका आपके साथ क्या तकलीफ है उसको आपसे? देखें सर, हमने अब हकूमत तक अपना मुतालबा तो पहुंचाना है ना लोगों की, हम पिछले 2 घंटे का रास्ता रोक के मुतालबा पहुंचाना है सर। हम पिछले 2 घंटे से यहाँ पर हैं, अभी तक हमारे पास कोई हकूमत का बंदा नहीं आया, तो ऑब्वियसली हमारे पास वी डोंट हैव एनी अदर वे आउट। हम किस तरह अपनी बात आगे कन्वे करें? 1.5 करोड़ आबादी के शहर को डिस्टर्ब करके वे आउट निकालना है? डिस्टर्ब नहीं करना। आगे थिंक टैंक किधर है जो प्रॉपर मौसर हिकमत अमली अपना सके? ये जो थिंक टैंक के बोहरान है, क्या आपको सड़क पे आना पड़ गया? कहाँ थिंक टैंक है आपका, इंजीनियर का? आप हमारा पूछ रहा हूँ, आप हमारा व्यू पॉइंट ही एंडोर्स कर रहे हैं। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब एहतजाज पे आए तो एक थिंक टैंक था, आप भी हमारे साथ इस एहतजाज में शामिल, आपके साथ शामिल हूँ। जबरदस्त, मैं ये पूछ रहा हूँ कि शहरियों का क्या कसूर है? हम ये अपना हक लेकर रहेंगे। इसकी माँ आज हॉस्पिटल नहीं जा सकी होगी, 2 घंटे लेट पहुंची होगी, कौन जिम्मेदार होगा? सर बहुत सारे अल्टरनेटिव रूट्स हैं, हमने सारे रास्ते नहीं बंद किए, कौन जिम्मेदार होगा? सुस्त रवि का शिकार है। 3 घंटे तो मैं ट्रैफिक में आज फंसा रहा हूँ सर, इसमें ज़ाती तौर पे मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं कैसे सर, हुकूमत हमारा मुतालबा मान लेना, ये मुतालबा मनवाने का कौन सा तरीका है? सड़क ब्लॉक कर दी जाए। आप मुझे एक बात बताइए कि केपी के गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन कर दिया है, मेरी बात समझे, मेरी बात समझे, आपकी जो बात है वो तो उसमें तो कलाम ही नहीं है। आपका मुतालबा, एक सेकंड सर, आपका मुतालबा है ना, उसपे तो कलाम ही नहीं है। एग्जैक्टली कलाम है आपके इस रवैये पे कि मार रोड आप ब्लॉक कर दें और ज़ईफ लोग, मजबूर लोग जो है वो कैसे जा सकेंगे? हमारा एक सवाल है कि हमने 2 महीने हो गए काली पट्टी से हम एहतजाज कर रहे हैं, कलम चोर हड़ताल की हुई है, आप हमें बताएं, हमें क्या दोस्त, मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं कि सड़क ब्लॉक करके आवाम को डिस्टर्ब करने के अलावा क्या मिलेगा? लेकिन जब हक ना मिले तो आप गवर्नमेंट हमें बता दे हक कैसे लें? नहीं, हक छीने, आपका राइट है ना, हक छीने, ये आपने बताना है कैसे, कैसे का जवाब मैं नहीं दे सकता। मुझे आप ये बता दें कि 1.5 करोड़ की आवाम को, जज्बात को मजरूह करके आप अपना हक कैसे लेंगे सर? और ये प्रेशर एग्जैक्ट आप आवाम के कंधे पे बंदूक रख के क्यों चला रहे हैं? इतने आप सारे टीपू सुल्तान हैं तो अपने सर पे कुछ स्ट्रेटजी बना के हुकूमत को जो है वो सरनगू करे, हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए, आप आवाम की महरूमियों पर क्यों खेल रहे हैं बताएं? मैं इस हवाले से आपको ये बताना चाहता हूँ के इंजीनियर्स ने जितने अप्रोप्रिएट फोरम्स थे उन सब को कोर्ट चले जाए। मेरी बात कोर्ट, मेरी बात आप लिटिगेशन में जाए, हम मेरी बात सुने, लिटिगेशन में जाए मेरी बात, आप अवामी जज्बात पे यहाँ
जो है वो लोगों को रोक के खड़े हैं। क्यों? मेरी बात सुने कि आपकी एज एंकर सोसाइटी पे गहरी नजर है, लेकिन आप भी आज तक हमें पूछने नहीं आए कि आप कहाँ जी रहे हैं। आप भी तब ही आए हैं जब हमने सड़क ब्लॉक की है, और ये सड़क ब्लॉक हमने अपने प्रेस लीज भेजी इधारों को, हमने भेजी किस इधारे को, सारी को, किस इधारे को भेजी सारे? मुझे आप डेट वाइज प्रेस रिलीजेज और डॉक्यूमेंट्स आपने किस मीडिया को दिए हैं? मीडिया को दिए हैं? एक सेकंड सर, मेरा सवाल सुन ले सर, तालियां बजाने वाले मेरा सवाल सुन ले सर, मेरा सवाल सुन ले। इनको कहें कि हमें वो प्रेस रिलीजेज सारी की सारी दें जो इन्होंने मीडिया पे पब्लिश करने के लिए भेजी है, डेट वाइज। आज फिर मीडिया ने नहीं चलाई तो हम जिम्मेदार? आज आज के आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज मिली? नो। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप लोग नहीं, आपने प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं किया होगा। कैसे प्रॉपर कोऑर्डिनेट? आपने कोऑर्डिनेट नहीं किया होगा गवर्नमेंट की 20 का टीवी पे आपने किससे रब्ता किया? 20,000 की आप मैनेजमेंट में से बंदा भेजे, किसको कहा आपने? मुझे डायल नंबर दिखा दे, मैं जिम्मेदार हूँ। आप दिखाएं, आपने कोऑर्डिनेट नहीं किया, मीडिया से आप गिला करते हैं। हाँ जी, हम मीडिया से गिला करें, आपका राइट है। हम मीडिया से गिला नहीं कर रहे, करें करें, आपका राइट है सर। आज आपका राइट है, मैं आप जितने जज्बाती हम नहीं होंगे। आपने जिस बात की एक्सट्रीम दिखा दी, आप सड़क पे आ गए, लोग ब्लॉक कर दिया आपने। एक मिनट, इससे बड़ा, एक सेकंड, एक सेकंड, इससे बड़ा जज्बातीपन क्या होगा? आप हमें इंस्टिगेट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। इससे बड़ा, इससे बड़ा जज्बातीपन क्या होगा कि आपने सड़क ब्लॉक कर दी? मैं आपको बताता हूँ, ये जज्बाती मुजाहरा नहीं, ये जज्बाती मुजाहरा नहीं। सड़क की बात कर रहे हैं, ब्लॉक करने में आया, इसका बनाने में खून पसीना इंजीनियर का शामिल नहीं है। आपका नाम क्या है? एक सेकंड यार, एक सेकंड, एक एक करके आए ना नाम। काशिफ साहब एक मिनट यार, एक मिनट, एक मिनट काशिफ साहब, मुझे ये बताएं, सड़क बनाने का ये मतलब है कि आप ब्लॉक करेंगे उसे? इसका हरगिज ये मतलब नहीं है, मगर जब एक मुआशरे में एक आपकी, आपकी एक, देखें एक सिविलाइज आपकी, अल्लाह ताला आपकी वालदा को सलामत सलामती दे। जी जी बिल्कुल। जिन घरों में लोग बीमार हैं जी, आप मुझे बताएं कि आज उनके साथ क्या बीती होगी? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। आप ये बात, मेरा मेरा सवाल सुन लें, मेरा सवाल ये है कि आपके मुतालबात जायज हैं? मैं कह रहा हूँ आपके मुतालबात जायज हैं, ये तरीके कार नहीं समझ आया। मुझे ये बताएं कि जो जो क्योंकि इंजीनियर्स जो बीमार इंजीनियर्स इंजीनियर के बनाए हुए पुल से अभी तक हॉस्पिटल पहुंच रही है, उसका क्रेडिट आप हमें क्यों नहीं दे रहे? और एक चौक ब्लॉक होने से क्यों कर रहे हैं? एक चौक करेंगे तो ये चौक ब्लॉक होने से आपको आपने जो पुल बनाए उस पे आपने चार्ज किया, उससे ठीक है, उससे वो आपकी सर्विस भी है सर, मेरी बात बात जो मेन रास्ता आपने ब्लॉक किया उसका क्या करेंगे? देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, वो भी गलत है सर, वो भी गलत है। आवाम का रास्ता जो भी रोके गलत है, गलत है। आप बात सुने कि वो नजायज है, लेकिन जो तरीकाकार है वो गलत है। आप आवाम एक मिनट आगे आए ना यार, आगे आए, आगे पीछे ना छुपे ना, इधर आए, इधर आए, सुनो मेरी बात, सुनो एक मिनट, मेरी बात, मेरी बात समझे, मेरी बात समझे। 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है, आप इधर पूरा का पूरा जो है मार रोड चौक करके जब खड़े होंगे तो क्या बनेगा? चल रही है ट्रैफिक, मेरे साथ आए, मैं शहर से हो क्या? मैं शहर से हो क्या? आप जो है ना, अब आप जो है ना, आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे चीचू की मलिया से आए हैं, ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं लाहौर कैसा है। लाहौर चौक हो गया सारा, लाहौर सारा चौक हो गया, बात करें बताएं, सारा चौक हो गया। हाँ जी बताएं, पूरे पंजाब से आए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारा मीडिया गवाह है कि पिछले 10 साल में यहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों धरने दिए गए हैं, और ये हिस्ट्री गवाह है कि जिन्होंने धरना नहीं दिया। आप इंटेलेक्चुअल क्लास हैं सोसाइटी की। हाँ जी, आपके पास मसाइल का हल ही नहीं निकला, सड़कों पे आ गए। हमारी जब नहीं कोई हल नहीं, हमारी किसी ने नहीं, लोगों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप उस साइड पे कैमरा लगाए जरा, कोई एक गाड़ी रुकी नजर आ रही है, उस साइड पे आप कैमरा लगाए, कोई एक गाड़ी रुकी नजर आ रही है, ट्रैफिक फ्लो बिल्कुल चल रहा है, कोई ट्रैफिक ब्लॉक नहीं है। आप उसको जस्ट इस हजूम से निकल के ना, मैं इस हजूम से मैं निकल के ना तो जनाब को कैमरे पे ही दिखा दूंगा कि कहां कहां मसला है। ठीक हो गया, अभी तो आपसे बात कर रहा हूं ना, अभी तो आपसे बात कर रहा हूं ना, जहां मैं बैठे हुए आप अपने कैमरामैन, एक सेकंड मुझसे बात करें, कैमरामैन को तकलीफ दें, उधर देखे, उधर दिखाएं कैमरामैन, अगर आपका कैमरामैन दिखा सकता है ट्रैफिक फ्लो में। हमने तमाम अप्रोप्रिएट फोरम्स को यूज किया, पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बावजूद हमारी आवाज मीडिया ने बुलंद नहीं की। उसके बाद हमने 26 नवंबर से पेन डाउन स्ट्राइक ऑब्जर्व कर रहे हैं तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर,
तमाम डिपार्टमेंट्स में कलम छोड़ हड़ताल जारी है, लेकिन हुकूमती एवानों में हमारी बात नहीं सुनी गई। तो इसका मतलब है कि हम सड़क ब्लॉक करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक तबका है ब्यूरोक्रेसी, वो सड़क ब्लॉक किए बगैर अपनी डिमांड्स मनवाते हैं। ब्यूरोक्रेसी के बगैर पाकिस्तान में कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं जहाँ पे सड़क ब्लॉक किए बगैर कोई मुतालबा माना गया हो। इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था, उस धरने को हम फॉलो कर रहे हैं। हम हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क का ये कल्चर, अच्छा 126 दिन का धरना होगा जहाँ पे एजिटेशन के बगैर अपना जायज हक लेने के लिए भी आपको सड़कों पे निकलना पड़ता है। और आज ये सड़कें बनाई भी हमने है, ये पुल भी हमने इंजीनियर्स ही बनाते हैं। इंजीनियर्स ने बनाया तो उसका मतलब है कि बंद कर दे। जब हॉस्पिटल बंद करती है तो उनके साथ क्या बनता है पता है आपको? क्या कहते हैं हम लोग सारे 50 क्या कहते हैं खर्च करके जो डिग्री लेता है उसकी तनख्वाह 35,000 रुपए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो, आप लिटिगेशन में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वो हुकूमत की नाअहली होगी सर, वो हुकूमत की नाअहली होगी। आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, लिटिगेशन का इख्तियार करें। कोर्ट से भी हमारी रिक्वेस्ट है, हम नहीं चाहते कि हमारे, आप रिक्वेस्ट नहीं होती यार, आप जाके एप्लीकेशन दें उधर, फाइल पिटिशनर बने। सर जितनी भी हमारी प्रेस रिलीजेज हैं, जितने जाएं उधर हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट तक। क्या कहें आप पार्लियामेंट, आप पॉलिटिशियंस किस मकसद के लिए? हम अपने मिनिस्टर के साथ, मिनिस्टर से क्या बात हुई? हम इरीगेशन मिनिस्टर से, मिस्टर सीएनडब्ल्यू से, तमाम मिनिस्टर से मिले हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हमारे मुतालबा से एग्री किया प्रिंसिपली, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक दें हमें हमारा, हम आपने केपीके में दिया तो इधर भी नहीं, अगर आप नहीं देंगे हम मर जाएं, हमारे बच्चे मर जाएं, क्या चाहते हैं आप? आप लोगों के मारे ना बच्चे सड़क ब्लॉक करके। हम लोग हम लोग हैं, ये लोग हमारे लोग हैं, ये लाहौर के लोग हमारे लोग हैं, ये तमाम पंजाब के लोग होते तो आप सड़क ब्लॉक करते सर? लोग हमें बताएं कि हम, आप हमें बताएं, इस दौर में हक मांगना जुर्म हो गया? अगर इस दौर में हक मांगना जुर्म है तो ये जुर्म हम बार बार करेंगे।